हेलो एंड वेलकम टू एक्सयूर डिफेंस एकेडमी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नरेशन के बारे में। नरेशन का थर्ड पार्ट है असर्टिव और इंटरोगेटिव हमारा हो चुका है, तो आज हम बात करेंगे इंपेरेटिव की और ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी की। सारा कवर करने वाले हैं, पूरा का पूरा नरेशन आज कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, कहीं मत जाइएगा क्योंकि अब की बार एयरफोर्स पार, हमारा एक ही लक्ष्य कि आपको मिले आपका लक्ष्य। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो कहां तक हो गया था, नरेशन हमारा हो गया था असर्टिव और इंटरोगेटिव दोनों टाइप हो गए थे हमारे। ठीक है, तो इंपेरेटिव की बात करते हैं। इंपेरेटिव में क्या होता है, कमांड दी हुई होती है। क्या दी हुई होती है, कमांड, कमांड दी रखता है जो किसके लिए, उसमें कमांड में क्या होता है, या तो कोई ऑर्डर हो, क्या हो, ऑर्डर, या कोई एडवाइस हो, एडवाइस दी हो, या कोई क्या हो, रिक्वेस्ट हो। ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट दी हुई होती है। ठीक है, तो इंपेरेटिव में यही होता है, तो उसको उसके अर्थ के अकॉर्डिंग, उसके मींस के अकॉर्डिंग उसको हम चेंज करते हैं, या सजेशन में, सजेस्ट में, ठीक है, या रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्ट में, या फिर किस में चेंज कर देंगे हम, या फिर सजेशन में, रिक्वेस्टेड में, या प्रपोजनल में, प्रपोज्ड, प्रपोज में। ठीक है, किसी को हम प्रपोज करते हैं, ठीक है, किसी चीज के लिए, तो इस चीज में हम इनमें इसको चेंज कर लेंगे। किसी कमांड को ऑर्डर दिया हो, एडवाइस दिया हो, रिक्वेस्ट दी हो, तो हम किस में चेंज कर लेंगे उसे, सजेशन में, या सजेस्टेड में, सजेस्ट में, रिक्वेस्ट में, या प्रपोज में, इसको हम चेंज कर लेंगे उसके अर्थ के अकॉर्डिंग, उसके सेंस के अकॉर्डिंग इसमें हम चेंज कर लेते हैं। और बात करें हम अगर बैग, यानी कि किसी से कोई भीख मांग रहा हो कुछ भी, ठीक है, भीख के लिए हम बैग का इस्तेमाल करते हैं, भीख के लिए, भीख मांगने के लिए बैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग या तो कहीं पर से दिया हो, से या सेज, क्या दिया हो, से या सेज या सेड दिया हो, तो उसको उसके अर्थ के अकॉर्डिंग किस में चेंज कर लेते हैं, या तो बैग में, से है तो बैग में करेंगे, सेज है तो बैग्स में, किसमें, बैग्स में, और सैड है तो किसमें चेंज करेंगे, बैग्ड में, किसमें चेंज कर देंगे, बैग्ड में। और बैग किसके लिए इस्तेमाल होता है, भीख मांगने के लिए, ठीक है, भीख मांगने के लिए। ऑर्डर, ऑर्डर किसी चीज की, किसी को कोई डिमांड या मांग करनी हो तो ऑर्डर का, ठीक है, ऑर्डर या ऑर्डर्स, या ऑर्डर्ड में, किसमें, ऑर्डर्ड में हम चेंज कर लेंगे। रिक्वेस्ट है, किसी से कोई भी चीज मांगनी है तो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का, तो रिक्वेस्ट, या तो रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट, किसमें, रिक्वेस्ट में, या किसमें, रिक्वेस्टेड में, किसमें चेंज कर लेंगे हम दोस्तों, रिक्वेस्टेड में। वॉर्न, यानी कि किसी को धमकी देना, क्या, वॉर्न का इस्तेमाल कब किया जाता है, धमकी के लिए, धमकी देना, ठीक है, अगर कोई किसी को धमकी दे रहा है, धमकी का सेंस अगर कहीं पर भी आ रहा है तो वहां पे वॉर्न का, वॉर्न्स का, या वॉर्न्ड का इस्तेमाल हम कर लेते हैं। अब बात करें इंप्लोर, इंप्लोर का मतलब होता है प्रार्थना करना, क्या, प्रार्थना करना या विनती करना, प्रार्थना करना या विनती करना, इसका मतलब होता है, इसका मीन्स होता है। तो इंप्लोर में, या इंप्लोर्स में, या इंप्लोर्ड में हम चेंज कर लेंगे। एंट्रीट, ऐसे ही एंट्रीट, एंट्रीट को भी हम चेंज कर लेंगे, इसका मतलब होता है प्रार्थना या वस्तु की मांग करना, किसी वस्तु की हम डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एंट्रीट, प्रार्थना। ऐसे थ्रीटन, थ्रीटन में क्या होता है, धमकी देना या धमकाना, ठीक है, तो हम थ्रीटन का इस्तेमाल भी हम कर लेते हैं उसके सेंस के अकॉर्डिंग। अर्ज, अर्ज मींस होता है विनती करना, तो अर्ज का भी हम ऐसे ही चेंज कर लेंगे, अर्ज का मतलब होता है विनती करना। और अब बात करें परसुएड की, परसुएड का मतलब होता है फुसलाना है, विश्वास दिलाना, किसी भी चीज पर विश्वास दिलाना, ठीक है, या किसी भी अपनी बातों से क्या है, उसको फुसलाना, ठीक है, तो परसुएड का मतलब होता है फुसलाना या विश्वास दिलाना। अब कमांड की बात करें, किसी चीज कमांड करनी है, ठीक है, तो कमांड का अगर सेंस आ रहा है तो वहां पे क्या है, कमांड, कमांड्स या कमांडेड का हम इस्तेमाल करते हैं, इसी प्रकार से हम चेंज कर देंगे। इसमें कंजक्शन, इंपेरेटिव में कंजक्शन किसका इस्तेमाल होता है, कंजक्शन टू का हम इस्तेमाल करते हैं इंपेरेटिव में, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, तब आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था, कि इंपेरेटिव में क्या क्या होता है, कैसे कैसे हम चेंज करेंगे, सारे टाइप वन बाय वन देखेंगे, जिससे कि आप लोगों को
एयरफोर्स नेवी के लिए या फिर किसी अदर एग्जाम की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि नरेशन में आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी आती है, कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है आप लोगों को, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, सर हमें समझने में ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं कि कैसे कैसे हम इनको चेंज करेंगे, इजिली हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने इंपेरेटिव के आपके सामने लिख दिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, द इंस्पेक्टर सेड टू हिम कॉल द विटनेस, ठीक है। द इंस्पेक्टर सेड टू हिम कॉल द विटनेस, तो इसमें क्या है, इंस्पेक्टर क्या कह रहा है कि विटनेस को बुलाओ, ठीक है। तो इसमें क्या, इंस्पेक्टर क्या करता है, इसका सेंस देखना है। इंस्पेक्टर किसी से रिक्वेस्ट करेगा क्या, रिक्वेस्ट करेगा इंस्पेक्टर नहीं करेगा, क्योंकि वो इंस्पेक्टर है भाई, वो क्या करेगा विटनेस के लिए, वो उसको ऑर्डर देगा कि विटनेस को लेके आओ, गवाह को लेके आओ। तो यहां पे इंस्पेक्टर के लिए तो कैसे चेंज करेंगे, द इंस्पेक्टर, द इंस्पेक्टर, तो सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, यहां पे सेट टू को किसमें चेंज करेंगे, वो क्या कर रहा है, वो ऑर्डर दे रहा है, तो किसमें, सेट टू को ऑर्डर्ड में, किसमें, ऑर्डर्ड में हम चेंज कर देंगे। द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड हिम, द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड हिम, तो मैंने क्या बताया था, कंजक्शन क्या आएगा, टू, द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड हिम टू कॉल द विटनेस, कॉल द विटनेस, तो हमारी इजीली समझ जाएगा। हमें सिर्फ क्या करना है, उसका सेंस देखना है, उसका क्या देखना है, सेंस की वो कहना क्या चाह रहा है, यहां पे रिक्वेस्ट करेगा, ऑर्डर देगा या क्या करेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या कर रहा है, वो ऑर्डर दे रहा है। यहां पे देखते हैं सेकंड वाला, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, तो यहां पे क्या कर रहा है, हेल्प मांग रहा है, क्या हेल्प मांगने के लिए वो ऑर्डर देगा क्या कि मुझे हेल्प चाहिए भाई, ऑर्डर देगा नहीं, कमांड देगा नहीं, तो वहां पे क्या करेगा, वो सलाह देगा नहीं देगा, वहां पे क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा, क्या करेगा, रिक्वेस्ट। तो यहां पे क्या होगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू टू हेल्प, ठीक है। एक चीज और आपको याद रखनी है कि कहीं पर भी प्लीज सर या मैडम आ जाए तो उसको वहां से रिमूव कर देते हैं, तो यहां पे हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। अगर यहां पे सेंस कुछ अलग होता, प्लीज की जगह मैडम सर कुछ अलग होता, ठीक है, सेंस क्या होता कि वो हेल्प ना मांगे, कुछ और ट्राई करता, ठीक है, हेल्प नहीं होता इसकी जगह पे, तो हम क्या करते, रिस्पेक्टफुली का इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ पे क्या हेल्प आ रहा है तो हम क्या करते हैं, उसके सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प, तो क्या है, हेल्प मी, मी है तो हेल्प मी, यानी कि मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, कौन सा, यानी कि किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सन्नाटा 123 के, ठीक है, फर्स्ट पर्सन यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही, तो क्या आ जाएगा, हिम, क्या आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में, हिम, ठीक है। ही के लिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, ये यहां पे इस टाइप से हम चेंज कर लेंगे, क्या आएगा यहां पे, रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल हम कर लेंगे। द डॉक्टर सेड, द डॉक्टर सेड वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है, द डॉक्टर सेड वॉक इन द मॉर्निंग, इसमें क्या हो रहा है, जो डॉक्टर है वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, जो डॉक्टर है वो क्या करेगा, डॉक्टर क्या करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं, क्या करते हैं, वो सलाह देते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या है, डॉक्टर के लिए उसका सेंस देखना कि डॉक्टर क्या करता है, सलाह देता है, तो यहां पे क्या होगा, द डॉक्टर क्या होगा, एडवाइज्ड, सेड किए गए एडवाइज्ड, क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड, द डॉक्टर एडवाइज्ड टू, क्या कंजक्शन क्या आ गया, टू, टू वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है, इस टाइप से हम चेंज कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स ले डाउन द गन, तो वहां पे क्या हो रहा है, जो कैप्टन है वो क्या कर रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है सोल्जर से क्या कह रहा है, सैनिकों से, कि जो अपनी जो बंदूक हैं उनको क्या कर दो, नीचे रख दो, ठीक है, ले डाउन द गन, तो यहां पे क्या हो रहा है, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स ले डाउन द गन। तो अब एक बात बताओ कि जो
कैप्टन है, कैप्टन क्या करेगा, किसी जो अपने सैनिक है उसके, ठीक है, उससे रिक्वेस्ट करेगा, क्या रिक्वेस्ट करेगा कि आप अपनी जो गन्स हैं उसको रख दीजिए, रिक्वेस्ट करेगा नहीं, ऑर्डर करेगा, ऑर्डर कर सकता है लेकिन यहां पर ऑर्डर नहीं आएगा। क्यों? क्या कभी भी किसी आर्मी वाले के लिए, किसी भी जवान के लिए, ठीक है, कैप्टन हो कोई भी मेजर वेजर हो, तो उसके लिए हमेशा क्या आता है, कमांड, वो क्या करता है, कमांड देता है, क्या करता है, कमांड देता है। तो यहाँ पे क्या परेड वगैरह कुछ चल रही, तो उसमें क्या होता है, कमांड दी जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, कमांडेड, ठीक है, सेट टू की जगह क्या आ जाएगा, कमांडेड, जो कैप्टन है वो क्या कर रहा है, कमांड दे रहा है सोल्जर्स को, ठीक है। द कैप्टन कमांडेड, कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स, कमांडेड द सोल्जर्स टू ले डाउन, टू ले डाउन द गन, ठीक है। आप लोगों की इजीली समझ में आ गया कि जो कैप्टन है वो क्या करता है, कमांड देता है। तो यहां पे अब नेक्स्ट देखते हैं, सी सेड मैडम आई हैव अ टीवी सेट, सी सेड मैडम आई हैव अ टीवी सेट, तो यहां पे क्या हो रहा है, सी सेड, उसने कहा मैडम आई हैव अ टीवी सेट, तो यहां पे क्या हो रहा है कि कहीं पर भी, कहीं पर भी, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, सर मैडम कुछ भी इस टाइप का सेंटेंस या फिर कुछ इस टाइप का वर्ड आ जाए, ठीक है, जहां पर क्या इस्तेमाल हो रहा हो, मैडम सर या कोई प्लीज करके इस्तेमाल हो रहा हो, ठीक है, तो वहां पर उसे क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं उसे पूरी तरह से, और उसकी जगह पे क्या लगा देते हैं, रिस्पेक्टफुली, ठीक है। सी सी, हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सग्रो डिफेंस अकेडमी, दोस्तों जय हिंद। तो आज हम बात करने वाले हैं इंपेरेटिव का नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, जितने भी टाइप इसके इंपेरेटिव के रह गए थे वो सारे टाइप आज हम कराने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, आप लोग स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये सारे एग्जाम के लिए, या फिर आप लोग एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहे हो, नेवी के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर अदर एग्जाम्स SSC वगैरह, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, या किसी भी अदर एग्जाम के लिए जिसमें इंग्लिश आती है, सबके लिए इक्वली बेनिफिशियल है, और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है एयरफोर्स और नेवी के लिए, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इंपेरेटिव के नेगेटिव सेंटेंसेस जो कि स्टार्ट होते हैं डोंट से, ज्यादा साधारणता है जो स्टार्ट होते हैं वो डोंट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो उसमें बात करें, से सेज या सेट, सेट को किस में चेंज करेंगे, ठीक है, साधारणता हम किस में चेंज करते हैं, आस्क में, आस्क में, आस्क में, या फिर टेल में, टेल्स में, या टोल्ड में हम उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं यहां पर, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन यहां पर जो सारे टाइप के क्वेश्चन, मैंने एक एक क्वेश्चन यहां पर लिख लिया है, और भी जितने टाइप बच रहे हैं वो सारे इसके बाद में आप लोगों को करा दूंगा, सारे टाइप जितने भी इंपेरेटिव के, सारे जितने भी नरेशन के सारे सेंटेंसेस हैं इंपेरेटिव में, ठीक है, वो सारे टाइप में आज कराने वाला हूं, एक भी आपका टाइप नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर, ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, डोंट से स्टार्ट हो रहा है, तो नेगेटिव सेंटेंस है, हमें पता चल गया कि डोंट से स्टार्ट हो रहा है तो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहां पे क्या करेंगे, सेड टू को किस में चेंज करेंगे, तो सेड टू यहां पे क्या कर रहा है, ही सेड टू मी, वो उससे क्या कह रहा है, पूछे तो रहा है, ठीक है, ही आस्क्ड मी, तो कंजक्शन तो हमें पता है, कंजक्शन क्या आएगा, टू, तो यहां पे क्या लगा देंगे, कंजक्शन टू, ही आस्क्ड मी टू। तो यहां पे क्या होता है कि अगर डोंट से ओपन, डोंट ओपन द डोर है तो क्या कर देंगे, डोंट की जगह पे डोंट नहीं आता, नॉट से स्टार्ट कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, Not to, या फिर he asked me, not पहले आया उसके बाद to, सिर्फ एक बार to का इस्तेमाल करेंगे, तो यहां पर क्या है, he asked me not to open the door, not to open the door, ठीक है। इस टाइप से हम sentence को easily बना सकते हैं। तो second sentence देखते हैं, he said to me don't go out, ठीक है। तो एक तो हम क्या है, सीधा सीधा इसको not to open the door ऐसे करके बना सकते हैं, या फिर हम नॉट का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हम क्या, किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉरबेड का मतलब भी होता है मना करना, फॉरबेड का मतलब भी नॉट के इक्वल होता है, ठीक है, इसका सिनोनियम है,
फॉरबिड, नॉट का सिनोनियम है फॉरबिड, यानी कि मना करना, तो हम फॉरबिड का इस्तेमाल भी कर लेंगे, ठीक है, या तो हम फॉरवर्ड का इस्तेमाल करेंगे या नॉट का इस्तेमाल, एक का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगले सेंटेंस में हम क्या किसका इस्तेमाल करने वाले, फॉरवर्ड का इस्तेमाल करने वाले। तो ही सेड टू मी डोंट गो आउट, तो यहाँ पे क्या है, सेड टू की जगह हम फॉरवर्ड का इस्तेमाल हम कर लेंगे। तो यहां पे देखते हैं, ही फॉरबिड मी टू गो आउट, ठीक है, इस टाइप से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, ही फॉरबिड मी टू गो आउट। एक बात आपको याद रखनी है कि जहां पर भी हम फॉरवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस भी सेंटेंसेस में हम फॉरवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें हम नेगेटिव यानी कि नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें हम इसमें हम किसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, नॉट का इस्तेमाल दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे हमने किसका इस्तेमाल कर लिया, फॉरवर्ड का। फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, ठीक है, तो यहां पे हमने किसका इस्तेमाल कर लिया, फॉरवर्ड का, तो हम नॉट का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, डोंट स्पिट इन द क्लासरूम, ही सेड टू द चिल्ड्रन। तो यहां पे क्या है, इस सेंटेंस में क्या हुआ है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमने पहले लिख ली है, रिपोर्टेड स्पीच हमने पहले लिख ली है, उसके बाद हमने क्या किया, रिपोर्टिंग वर्ब लिखा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, हमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा उसको हम बनाएंगे। तो यहां पे क्या है, ही सेड टू द चिल्ड्रन, उसने किससे कहा, चिल्ड्रन से, बच्चों से, ठीक है। तो यहां पे क्या कर लेंगे, यहां पर भी हम फॉरवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां पर भी तो मना कर रहा है ना, डोंट से स्टार्ट हो रहा है, तो हम फॉरवर्ड का इस्तेमाल हम करके देखते हैं इसमें, तो कैसे बनेगा, आप लोग बनाओ, ही फॉरबिड द चिल्ड्रन, किससे मना कर रहा है, चिल्ड्रन से ही तो मना कर रहा है, ही फॉरबिड द चिल्ड्रन नॉट टू स्पिट इन द क्लासरूम, ठीक है, यानी कि क्लासरूम में मत थूको, ठीक है, थूकने से उसने मना किया है। ही फॉरबिड द चिल्ड्रन नॉट टू स्पिट इन द क्लासरूम, ठीक है, इस टाइप से हम फॉरवर्ड का इस्तेमाल करके हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस जो कि डोंट से स्टार्ट होते हैं। अब देखते हैं अगला, ही सेड टू हिज सर्वेंट स्टॉप वर्किंग। यहां पे क्या है, ही सेड टू हिज सर्वेंट स्टॉप वर्किंग, इस टाइप का अगर सेंटेंस है तो उसको किस तरह से बनाएंगे, ठीक है, ये तो इसमें क्या होगा, यहां पर भी निषेध यानी कि किसी चीज से बिल्कुल मना कर दिया जाता है, निषेध कर दिया जाता है, तो वहां पर किसका इस्तेमाल करते हैं हम, या तो प्रिवेंटेड का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर तो किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रिवेंटेड का या प्रोहिबिटेड का इस्तेमाल हम कर लेते हैं। तो यहां पर या तो हम प्रिवेंटेड का प्रोहिबिटेड का इस्तेमाल हम कर लेंगे, तो इसमें क्या होता है, ही प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड, किसी एक का इस्तेमाल हम कर लेंगे, ही प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड हिज सर्वेंट, ठीक है। अब क्या है, इस टाइप के सेंटेंस में फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, किसका, फ्रॉम का इस्तेमाल। अब यहां पे क्या हो रहा है, स्टॉप वर्किंग, तो स्टॉप यानी कि उसने मना कर दिया, बिल्कुल निषेध कर दिया है कि वो स्टॉप, जो अपना काम है उसको बंद कर दे, स्टॉप वर्किंग, ठीक है। तो यहां पे क्या है, हिज सर्वेंट, ही प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड हिज सर्वेंट फ्रॉम, किससे, यहां पे क्या है, फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम किससे मना किया है, ठीक है, किस काम को करने के लिए, फ्रॉम वर्किंग, ठीक है। जहां यहां पर भी कोई भी अगर वर्ब है उसका कौन सा फॉर्म आता है, आईएनजी फॉर्म यानी कि जेरंड फॉर्म इसमें इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम के बाद, ठीक है, जो भी वर्ब है उसमें। जैसे इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं यहां पे, ही सेड टू हिम, तो इसमें भी इसी तरीके से हम इस्तेमाल करने वाले हैं, तो ही प्रोहिबिटेड फ्रॉम, अब मैंने क्या कहा, फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे,
फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, जेरंड फॉर्म का, आईएनजी फॉर्म का, ठीक है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल हम कर लेंगे। ही प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड फ्रॉम, अब यहां पे क्या है वर्ब क्या है, सिट, ठीक है, सिट है तो क्या आ जाएगा आईएनजी फॉर्म, सिटिंग, सिटिंग आइडल, सिटिंग आइडल, ठीक है। उसने किससे मना कर दिया, आइडल यानी कि बैठने से, आलस में, आलस में बैठने से उसने मना किया। ही प्रोहिबिटेड प्रिवेंटेड फ्रॉम सिटिंग आइडल, ठीक है। इस टाइप से हम सेंटेंसेस को इजीली बना सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, एक तो क्या है प्रोहिबिटेड प्रिवेंटेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ठीक है स्टॉप या जहां कहीं भी निषेध पूरी तरह से मना कर देना, ठीक है, पूरी तरह से मना कर दिया, प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड कर दिया, तो वहां पर क्या करेंगे फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, कंजक्शन फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, जो भी वर्ब है, ठीक है। इस टाइप को स्टॉप वगैरह डोंट जो नेगेटिव जो बताते हैं कि मना कर दिया है, ठीक है, तो उस टाइप के वर्ड्स को हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, उसकी जगह पर किसका इस्तेमाल कर देंगे, प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड का इस्तेमाल हम कर देते हैं। और फिर फ्रॉम के बाद जो भी वर्ब आ रहा है, जो भी वर्ब आ रहा है वो कौन सा वर्ब आना चाहिए, आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब आना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से हम सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं। अगले टाइप के कुछ सेंटेंसेस हैं उनको हम देखने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, नया कॉन्सेप्ट आपके सामने है कि अगर कहीं पर भी मेन वर्ब के आगे क्या हो, डू। एक बात और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को अपने जो दोस्त हैं, अपने फ्रेंड हैं, उनके पास शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, जिससे कि हमें क्या है मोटिवेशन मिलता है वीडियो आगे बनाने के लिए। आप लोग हमें कमेंट करके बताओगे तो हम आगे भी वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप लोगों का जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वही हमें यहाँ पर लेके आता है, ठीक है, वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले कमेंट करके और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और लाइक करके शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि हमें क्या, आप लोगों को वीडियो हमारी कैसी लग रही है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। तो हम अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है, अगर मेन वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच में कोई मेन वर्ब है, उससे पहले क्या है, उससे पहले डू लगा हुआ है, उससे पहले क्या लगा हुआ है, डू लगा हुआ है, मेन वर्ब से पहले क्या आ रहा है, डू, मेन वर्ब से पहले डू आ रहा है, तो हम क्या करते हैं इनडायरेक्ट बनाते टाइम डू को वहां से हटा देते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय डू को वहां से हटा देते हैं। लेकिन अगर डू मेन वर्ब से पहले ना आके मेन वर्ब की तरह रिएक्ट कर रहा है, मेन वर्ब की तरह रिएक्ट कर रहा है, मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहां पर डू को हम नहीं हटाते, ठीक है, इतना हमें याद रखना है इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, तो वो वहां पे आप लोग इजीली समझ पाओगे इस एग्जांपल के थ्रू। ही सेड टू मी डू रीड द गीता, तो यहां पे क्या होगा, ही आस्क्ड मी ठीक है, टू रीड द गीता, ठीक है। तो यहां पे क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले क्या आ रहा है, डू आ रहा है, तो यहां पर डू को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे यहां से, रिमूव कर देंगे डू को, ठीक है। तो टू रीड द गीता, अब अगला देखते हैं, द एसपी सेड टू द इंस्पेक्टर, एसपी क्या करेगा, ऑर्डर देगा इंस्पेक्टर को। एसपी क्या होता है, एसपी बड़ा होता है या छोटा होता है, इंस्पेक्टर से बड़ा होता है एसपी, ठीक है। तो एसपी क्या करेगा, इंस्पेक्टर को क्या करेगा, ऑर्डर देगा कि डू वॉच द सिचुएशन, जो भी वहां पे क्या कोई भी सिचुएशन बनी हुई है तो उसको वहां पे जाके देखो, जिस भी तरह का वहां पे कोई भी दंगा फसाद कुछ भी हुआ है उस सिचुएशन को जाके देखो। तो द एसपी सेड टू द, जो एसपी बड़ा होता है इंस्पेक्टर से, तो वो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, ऑर्डर देगा, क्या करेगा, ऑर्डर देगा। तो द एसपी ऑर्डर द इंस्पेक्टर, ठीक है, टू, ठीक है, यहां पे भी मेन वर्ब है, मेन वर्ब वॉच है, उससे पहले क्या डू का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो डू को यहां पे हटा देंगे, टू वॉच द सिचुएशन, ठीक है। आप लोग इजीली, आप लोगों की समझ में आ रहा हो, आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो आप लोग लाइक कर दो वीडियो को। सी सेड टू मी डू दिस वर्क एट वंस, सी सेड टू मी डू दिस वर्क एट वंस, तो यहां पे क्या है,
टू जो है वो क्या है, एक मेन वर्ब की तरह, क्या है, एक मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है इस सेंटेंस में। सी सेड टू मी डू दिस वर्क एट वंस। तो यहां पे क्या है, डू को हम नहीं हटाएंगे, डू को हम नहीं हटाएंगे। सी सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी टू डू दैट वर्क। दिस किस में चेंज हो जाएगा, दैट में, दैट वर्क एट वंस, टू डू दैट वर्क एट वंस, इस टाइप से हम चेंज कर लेंगे। सी आस्क मी टू डू दैट वर्क एट वंस। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट, योर फादर सेड टू यू, योर फादर सेड टू यू डू योर वर्क इन टाइम। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, जो डू है वो किसकी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, एक मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहां पर डू को हटाएंगे नहीं। ठीक है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, योर फादर, योर फादर, योर फादर आस्क्ड यू, आस्क्ड यू टू डू योर वर्क, टू डू योर वर्क, क्योंकि योर क्या है, सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो योर वर्क इन टाइम, योर वर्क इन टाइम, योर फादर आस्क यू टू डू योर वर्क इन टाइम। तो यहां पर इस टाइप से हम सारे सेंटेंसेस को इजीली नरेट कर सकते हैं। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोग को ये वीडियो हमारी कैसी लगी। आप इसके जो सेकंड इंपेरेटिव के जितने भी थोड़े से टाइप बचे हुए हैं, लेट वाले बचे हुए हैं, एक दो टाइप और है, वो सारे टाइप में अगली वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद ठीक है, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी आप लोगों का रह रहा है, वो भी अगली वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों का हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है गाइस, थैंक यू, जय हिंद, लव यू ऑल।